Hello students, welcome to Electro Classes, one step ahead for learning where we help you to achieve your goals. Students, today we will discuss another important naming reaction, which is Finkelstein reaction. This reaction is also included in chapter 10, haloalkenes and haloarene. So let's start. In this reaction, when chloro or bromo alkenes are heated with sodium iodide in presence of acetone, we get iodoalkenes. Means Finkelstein reaction में क्या होता है कि इस reaction में जब हम chloro और bromo alkenes को heat up करते हैं किसकी presence में acetone की किसके साथ sodium iodide की तो हमें students क्या मिलते हैं iodoalkenes मिलते हैं तो इस reaction को हम क्या बोलते हैं Finkelstein reaction बोलते हैं दूसरी बात ये reaction specially use होती है iodoalkenes बनाने में ठीक है जैसे आपकी फ्लोरीन के कंपाउंड्स बनाने में फ्लोरो एल्केन्स बनाने में स्वार्ट्स रिएक्शन यूज होती है वैसे ही आयडो एल्केन्स बनाने में कौन सी रिएक्शन यूज होती है Finkelstein रिएक्शन यूज होती है और ये रिएक्शन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है तो आइए देखते हैं इसकी रिएक्शंस को रिएक्शन में क्या होगा आपकी अगर आपने एक ब्रोमो एल्केन लिया या क्लोरो एल्केन लिया जिसके आपने रिएक्शन कराई सोडियम आयोडाइड से किसकी प्रेजेंस में एसीटोन की या मेथिनोल की दोनों में से कोई भी यूज हो सकता है यहां पर मैंने एसीटोन नोट किया है आप मेथिनोल भी यूज कर सकते हैं मोस्टली आपको बुक्स में एसीटोन ही मिलेगा और यूज भी यही किया जाता है ठीक है क्योंकि ये इजीली अवेलेबल है और हार्मफुल भी नहीं है तो जब हम इसको हीट करते हैं तो आयोडीन क्या है ब्रोमीन को डिस्प्लेस करेगा और क्या बन जाएगा यहां पर ब्रोमोप्रोपेन था आपका यहां पर किसका फॉर्मेशन हो गया आयोडोप्रोपेन का क्योंकि यहां पर तीन कार्बन थे तो प्रोपेन बना ब्रोमोप्रोपेन यहां पर तीन कार्बन है तो आयोडोप्रोपेन हो गया ठीक है ये रिएक्शन स्पेशली यूज होगी बच्चों आयोडीन के कंपाउंड्स बनाने में मतलब आयोडोप्रोपेल्केन्स बनाने में क्लियर अगर ऐसी कई सिचुएशन हो यहां पर मैंने स्पेशली कंडीशन नोट की हुई है दिस रिएक्शन इज वेरी यूजफुल फॉर प्रिपेयरिंग सच एल्काइल आयोडाइड्स व्हिच कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्ट एडिशन ऑफ HI टू एल्केन्स क्या होता है कि आयोडीन के अगर कंपाउंड्स बनाने होते हैं तो क्या करते हैं जो एल्कीन्स है मतलब जिनमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है उनमें हम डायरेक्ट एडिशन कराते हैं किसका हाइड्रोजन आयोडाइड का बट कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं बच्चों जो कि एल्कीन्स जो ऐसी होती है जो हाइड्रोजन आयोडाइड से डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करती है तो वहां पर हम कौन सी रिएक्शन का यूज करते हैं Finkelstein रिएक्शन का ठीक है फर्स्ट पॉइंट ये हुआ सेकंड पॉइंट क्या होगा कि क्या करेंगे हम उस एल्कीन का हम क्या कराएंगे मार्को एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन कराएंगे मार्कोनिक ऑफ एडिशन और एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन मैं ऑलरेडी आपको हेलोअल्केन्स और हेलोअरेन्स चैप्टर में पढ़ा चुका हूं इस पर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा ओके तो वहां पर क्या होता है हम हाइड्रोजन ब्रोमाइड से रिएक्शन कराते हैं तो जो नेगेटिव पार्ट होता है वो किस कार्बन एटम पर जाता है जहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होते हैं तो ये हमारा एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल था ये परोक्साइड की प्रेजेंस में होती है रिएक्शन तो यहां पर क्या होगा हाइड्रोजन किस पर अटैच होगा जिस पर क्या होगा लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होंगे और ब्रोमीन यानी कि नेगेटिव पार्ट ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड इज अटैच्ड टू दैट कार्बन एटम विच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम तो HBr का अटैचमेंट हुआ आपको क्या मिल गया ब्रोमोब्यूटेन विच इज ऑल्सो नोन एज नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड नाउ Finkelstein रिएक्शन कैसे होगी सोडियम आयोडाइड की रिएक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन हीट अप करेंगे तो ब्रोमीन को किसने डिस्प्लेस किया आयोडीन ने तो इस तरीके से आपका क्या बन गया नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड किसमें कन्वर्ट हो गया नॉर्मल ब्यूटाइल आयोडाइड में जो कि कहां से आया था हमारा ब्यूट वन यूनिट से आया था तो इस तरीके से हम क्या करेंगे कि एल्कीन्स को कन्वर्ट कर सकते हैं Finkelstein रिएक्शन की हेल्प से इसमें आयोडो एल्कीन्स में ओके स्टूडेंट्स क्लियर हुई आपको होप यू एंजॉयड द वीडियो थैंक यू